हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मैं तो 6:30 बजे उठ गई हूँ। उसके बाद 7 बजे बच्चे को उठाए, उसके बाद मैं गर्म पानी पी और 6:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले मैं क्या करी कि आलू कट करी, उसके बाद मैं आलू की भुजिया सोची मैं क्या बनाऊँ। ये नहीं रहते ना तो मुझे समझ नहीं आता खाना मैं क्या बनाऊँ। तो मैं जल्दी जल्दी बगैर प्याज लहसुन का आलू की भुजिया बनाई हूँ। तो छौंक लगा के उसके बाद मैं बाहर बालकनी में बैठ के आराम से गर्म पानी पी और अपनी जो थायराइड की दवा है वो खाई। उसके बाद बच्चों को उठाई और दोनों बच्चे उठ गए हैं। हर्षित अपना सोफा बैठ के आराम से बैठा है, छोटू बैठा है और हर्षित ब्रश कर रहा है अपना। तो हर्षित को जल्दी रहता है, एक बार उठ गया वो ना तो फिर वो जल्दी जल्दी उसका काम रहता है। जल्दी ब्रश करेगा, उसके बाद नहा लेगा तुरंत ब्रश करने के बाद, उसके बाद ही दूध वगैरह जो उसे नाश्ता करना रहता है वो लेगा। और छोटू को बोलना पड़ता है बार बार। तो हमें बच्चों का कपड़ा लेके बैठ गई हूँ क्योंकि आज इनको वाइट ड्रेस पहन के जाना है, तो प्रेस नहीं था तो मैं लेके बैठ गई हूँ प्रेस करना है। और ये ब्लू पैंट और वाइट शर्ट है हर्षित का, और छोटू का है वाइट शर्ट वाइट पैंट। बीच में तो वो प्रेस पर मैडम चेंज कर दी थी कि छोटू का ग्रीन, मतलब हिसाब से पता नहीं कौन सा हिसाब से, छोटू का ग्रीन था टी शर्ट और वाइट पैंट और हर्षित का रेड टी शर्ट वाइट पैंट, तो दोबारा चेंज हो गया। पहले शुरू में तो वाइट शर्ट वाइट पैंट ही था, तो बीच में टी शर्ट हो गया था ग्रीन ब्लू कई कलर टी शर्ट हो गया था। और उसके बाद दोबारा से फिर वही ड्रेस आ गया। हफ्ते में सिर्फ 2 बार पहन के जाते हैं, वाइट शर्ट और पैंट ब्लू। और छोटू का वाइट शर्ट वाइट पैंट बहुत गंदा होता है वाइट। और ये देखिए हमारे छोटे चंद का फुल बाजू का टी शर्ट है। तो वो बोला था अपने पापा से कि पापा शर्ट लाना फुल बाजू के, क्योंकि सर्दी आ जाएगी तो हाफ बाजू का क्या फ़ायदा। तो फिर वो उसके पापा गए थे सदर, तो फुल बाजू का ही लाए। और बहुत जुगाड़ू है देखो, पहले ही अपने पापा से बोल दिया कि हाफ लाओगे फिर लाना पड़ेगा फुल बाजू का, सर्दी आ रही है तो इससे अच्छा आप अभी ले आ दो। हम लोग मना भी किए कि गर्मी लगेगी, पर बोला नहीं मोड़ के ऐसे बाजू मोड़ के चले जाएंगे। तो मैं बोली स्कूल में नहीं चलेगा वो बाजू मोड़ के, बोला नहीं जी कम चल जाएगा हमारा। तो बोला 2 दिन ही पहन के जाना है। तो फिर हम लोग बोले चलो जब भाई बोल रहा है तो ले आ ही देते हैं। और मेरे आँख में इतनी जलन हो रही है क्योंकि 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, अजीब सी घबराहट होती है जैसे मैं लेट जाती हूँ। और पता नहीं क्या हो गया मेरे ना पैरों में इतनी खुजली होती है रात में कि मैं रात में बैठ बैठ के खुजली करती रहती हूँ। और रात तो बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मैं वो था नवरत्न तेल था वही लेके लगाई अपने पैरों में, तो थोड़ा मुझे आराम मिला। तो मैं थोड़ा सा सोई, सुबह 3 बजे सोई मैं, नहीं तो रात भर अजीब सी बेचैनी हो रही थी पता नहीं क्यों। इसलिए मुझे ना सिर में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सिर में, और नींद नहीं पूरी हो रही, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है बुखार बुखार जैसा। तो तबीयत सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी बच्चों के लिए उठना पड़ा क्योंकि बच्चों का पेपर भी होने वाला है, इसलिए स्कूल जाना ज़रूरी था। क्या दिया है इतना वो जनी, चलो छोटी क्लास में सो रहा है पानू पते ना। अच्छा अच्छा यहां खड़ा है, ये दे दो वाइट जूता पहनना है ना।
सही है, देखो बेल्ट सही लगी है। हैंकी जेब में रखा है, जुकाम हो गई, जुकाम हो गई तेरी, नाक सूख सूख कर रहा है, क्या हुआ? बदन बेल दे, इसका ये आज लगवा देंगे, आएगा तो याद दिलाया कर जब आया कर, तो टाइट है क्या बेल्ट? सही है, लगाऊं कोई जैसे अच्छा ऐसे सही तो है, अजीब सा लग रहा है, अरे सही है, पहनो जल्दी, बाय बाय हर्षित, आराम से जाना, देख के हर्षित आगे आगे भाग के मत जाना, उसके साथ जाना। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और भाई अभी मैं बस सो के उठी हूँ, सोई क्या हूँ, लेटी बस थी, तबीयत नहीं सही थी तो बस लेटी थी, उठने का मन ही नहीं करा था, बस बच्चे आए और मैं नहाई थी, पूजा पाठ करी, मैं लेटी थी, बच्चे आए अपना खाना पीना खाए, मैं लेटी थी, उठने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि आज सुबह से न मेरी तबीयत, आज सुबह से कहा 2-3 दिन से नहीं अच्छी है, और आज तो ज़्यादा अजीब सा पूरे शरीर में दर्द, कमर में इतना ज़्यादा दर्द, सिर में इतना ज़्यादा सुबह से दर्द, तो खूब सारा तेल लगाई, बाल धोई और अभी उठी हूँ, कि सिंदूर वगैरह कंघी वगैरह करी हूँ, नहीं तो ऐसे गीला बाल ही था, ऐसे मैं लेटी थी, नींद भी नहीं लग रही थी, बस आँख मूंदे पड़ी थी, आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था बस आँख मूंदे लेटी रहूँ, और खाने का मन भी कुछ नहीं कर रहा, खाना तो देखने का भी मन नहीं कर रहा, खाना जैसे कड़वा कड़वा लगता है, खाती हूँ ऐसे लगता है जैसे अंदर से पूरी शरीर ना बिल्कुल जल रही है, ऊपर से बिल्कुल ठंडी है, अंदर से बिल्कुल पूरी शरीर जल रही है। तो अभी मौसम अच्छा था, बादल हो रखे थे, तो मैं यहीं बैठी हूँ, सुबह तो बारिश हुई थी, सुबह बिल्कुल सुबह तो वो हल्का बादल था, फिर उसके बाद धूप हुआ और बच्चे जैसे ही स्कूल चले गए थोड़ी देर बाद काफ़ी बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप हुआ और मैं इतने सारे कपड़े धो के सुखा दी, तो वो हल्की बारिश होने लगी थी और हमारे गली में बच्चे खेल रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, तो उसके बाद अभी मैं उठी तो फिर देखी काले काले बादल थे, बिल्कुल बारिश वाला मौसम, तो मैं बैठ गई, चाय पीने का भी मन है पर अजीब सा लग रहा है कि पीऊँ कि ना पीऊँ, फिर क्योंकि चाय पी लेती हूँ तो और अजीब सा लगने लगता है, इसलिए पीने का मन है पर पीऊँगी नहीं, वो पी लूँगी चाय तो और उल्टी उल्टी जैसा लगने लगता है, और अभी इन दोनों को भूख लगी थी तो हर्षित मैगी बना रहा है, रख रखा है मैगी, सिंपल मैगी बना रहा है अपने लिए और छोटू के लिए, और आज इनके पापा भी आएंगे, और इनके पापा आएंगे तो सबसे पहले मैं, कल अगर रहेंगे तो ऑफिस नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मैं सोच रही हूँ एक बार मैं ब्लड टेस्ट करवाऊँ, क्योंकि जांच करवाऊँगी ब्लड, क्योंकि मुझे ना अंदर से लगता है जैसे बुखार हो मेरे, आएंगे तो ज़रूरी है, पता चल जाएगा किस कारण हो रहा है, बुखार है कि ऐसे ही मौसम की वजह से, और आज मम्मी बोल रही थी कि आ जा पर मैं गई नहीं मम्मी के पास, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ी, और छोटू को भी सर्दी जुकाम है इसलिए वो नहीं गई, तो आराम से बैठी हूँ, अभी पति देव आएंगे तो खाना बनाऊँगी, शायद 8-9 बजे तक शायद आ जाएंगे, तो चलती हूँ देखती हूँ क्या खाएंगे बनाऊँगी, छोटू तो बोल रहा है पापा आएंगे, बोले थे पापा गिफ्ट नहीं आऊँगा बाहर से मंगाऊँगा, बोले नहीं बारिश में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और छोटू जब से उसके पापा गए हैं तब से चिल्ला रहा है मम्मी बाहर से मंगा दो, पर मैं मंगाई ही नहीं कुछ बाहर से, उसके पापा बोले मैं आऊँगा तो मैं मंगा दूँगा, रहने दो मत परेशान करो मम्मी को, और काले काले बादल हो रखे हैं ये देखो, सुबह भी बिल्कुल ऐसा मौसम था, यही है बीमारी का वो घर, क्योंकि सुबह भी ठंडी हवा चल रही थी और अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है और बाहर बैठ जाओ तो ठंडा लग रहा है, और ये हमारी तुलसी माँ, और अभी चल रही हूँ मैं दीयावत्ती करूँगी पूजा,
तो गाइस इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।